Hello everyone, how are you students? Have you taken your breakfast everyone? Yes? Okay, now today we learn 1-4 book day 2. Okay, today we learn day 2 in 1-4 book. Now trace the dotted lines. Okay, यहाँ पे क्या करना है? Dotted line trace करनी है सिर्फ. And what is this? Teapot है यहाँ पे, है ना? Teapot and कप. तो यहाँ पे क्या करना है उसको, सिर्फ जो डॉटेड लाइन है उसको क्या करना है, ट्रेसिंग करना है. स्लोली 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 जॉइन द डॉट्स एंड मेक अ कंप्लीट सर्कल. यहाँ पे टीपॉट का सर्कल कंप्लीट होगा. ओके, तो यहाँ पे कप को भी क्या करना है, यहाँ पे जॉइन द डॉट्स एंड मेक अ हाफ सर्कल. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट पेज, turn the page. EVS, introduction. Farm animals means क्या? Farm animals means जो खेतों में रहते हैं, जो खेतों में हम लोग को help करते हैं ना, farmer को help करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Farm animals बोलते हैं. Okay? तो look here. What is this? Cow, pig and horse. जो खेतों में फार्मर के लिए हेल्प होता है उनको. ओके, तो इसलिए ये क्या है, फार्म एनिमल्स से जो खेतों में रहते, काउ पीक एंड हॉर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. नाउ टुडे वी लर्न न्यू स्टोरी. ओके, तो लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी. द लायन एंड द माउस. वन डे अ माउस रन ओवर अ स्लीपिंग लायन. मीन्स एक दिन क्या होता है, एक माउस रहता है, मीन्स छोटा सा उल्टी रहता है, माउस. ओके, चूहा, छोटा सा चूहा है. वो जो चूहा रहता है ना, वो क्या करता है, एक दिन स्लीपिंग लायन, मीन्स एक बार एक लायन सोया रहता है तो उसके ऊपर जाके खेलता है उसके पास. द लायन वॉक अप एंड कॉट द माउस. द लायन उठता है और क्या करता है, उसको माउस को पकड़ता है. द माउस बैट द लायन. सो माउस क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है लायन को, प्लीज लीव मी, आई विल सेव यू वन डे. द लायन लाफ एंड फ्री द माउस. तो माउस क्या बोलता है कि प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दो, मैं एक दिन आपकी जरूर मदद करूंगा, आपको जरूर हेल्प करूंगा. तो लायन क्या करता है, हंसता है और उसको छोड़ देता है. नाउ आफ्टर अ फ्यू डेज, मीन्स अ फ्यू डेज लेटर, a hunter caught the lion in a net. The lion began to roar. बहुत दिनों के बाद क्या होता है, after a few days, मतलब बहुत दिनों के बाद क्या होता है, एक hunter आता है और क्या करता है, lion को पकड़ता है. Okay? Hunter caught the lion in a net and the lion began to roar. Lion बहुत चिल्लाता है, roar करता है. Yes? Again, the mouse heard the lion and ran to help him. तो माउस वो वॉइस सुनता है लायन की और क्या करता है, वहां पर पहुंच जाता है उसकी हेल्प करने के लिए. It beat the net with its sharp teeth. तो माउस के कितने शार्प टीथ रहते हैं ना, तो वो क्या करता है, नेट को काटता है, बिट करता है एंड सेट द लायन फ्री. और लायन छूट जाता है, फ्री हो जाता है लायन. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, Even the smallest friend is worth. Okay? So, हमको ये story daily learn करनी. I will tell you. Okay? One more time. Repeat after me. Okay? One day, a mouse ran over a sleeping lion. One day, a mouse ran over a sleeping lion. The lion woke up and caught the mouse. The lion woke up and caught the mouse. The mouse begged lion, please leave me, I will save you one day. The lion laughed and freed the mouse. A few days later, a hunter caught a lion in a net. The lion began to roar. The mouse heard the lion and to help him. It beat the net with its sharp teeth.
and saved the lion free. Moral of the story, even the smallest prey is bird. Okay, तो हम डेली क्लास में भी ये स्टोरी प्रैक्टिस करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्न द पेज. लुक हियर, टर्न द पेज, राइट द नंबर 6. जहाँ पे 6 नंबर लिखा है उसके सामने हमको 6 नंबर लिखना है. तो हाउ टू राइट नंबर 6, नंबर 6 कैसे लिखते हैं, लुक हियर. सो वी स्टार्ट फर्स्ट कर्व, ओके, एंड जॉइन द सर्कल. Okay, so look at the board, everyone. Number day 2, number 6. So how many balls? Count it. How many balls? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. How many balls? 6 balls. And so how to write number 6? Kaise likhna hai? So look here first. Curve and join the circle. लिखने के लिए तो निकालना है पहले से और इसको क्या करना है, इसे एक सर्कल बनाना है. ओके, यस. सो टुडे वी लर्न नंबर 6 एंड न्यू स्टोरी. ओके, तो सबको अभी क्या करना है, नंबर 6 लिखना है और स्टोरी डेली हमको रिपीट करना है, डेली हमको लर्न करनी है. ओके, सो बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर.